Commerce and Accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on Commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel, and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one -one mentoring call with me. To plan your strategy for the commerce optional our courses on the commerce include classroom course enriched study material detailed solution of the previous questions and the daily answer writing mock test and practice we are also adding the value through value additions hello and welcome everyone

so basically this session is focusing on looking at the question paper from the perspective that what is the source of paper can we answer it based upon the previous question themes and what are the new surprises we can see in the paper of this year okay so i will start first of all we will see at a glance paper two has four subjects as you may be aware एंड देर आर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टू से इन द फर्स्ट सेक्शन वी हैव ओटी एंड इन द सेकंड सेक्शन वी हैव एच आर एम एंड आई आर ओके तो अगर हम ओटी की बात करें इफ टॉक अबाउट ओ टी दंपलसरी क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन मीन क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं एंड इन द्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फाइव थर्टी मार्क्स क्वेश्चन केम फ्रॉम ऑर्गेजनल थ्योरी ट्वेंटी मार्क्स क्वेश्चन केम फ्रॉम ऑर्गनाइजन बिहेवियर

इन द ओ टी ओबी द मोर वेटेज इज टू दी ओटी में आप देखेंगे तो ट्वेंटी 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 मार्क के क्वेश्चन आर मोर ओके तो ओटी इज मोर फ्रॉम द लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं एंड ओबी में आपके शॉर्ट क्वेश्चन है टेन टेन आप देखेंगे तो टेन टेन यहाँ पर टोटल फोर क्वेश्चन मार्क्स के हैं कंपलसरी चोइस बेस्ड और ट्वेंटी ट्वेंटी मार्क्स के टू क्वेश्चन मोर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन ओके दिस इज ट्रेंड ऑफ दिस ईयर ये 2024 का ट्रेंड है बट इट 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 डू नॉट मीन दैट इट विल रिपीट इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो ओके नेक्स्ट ईयर यू मे वेरी वेल सी दैट ओबी इज वन ट्वेंटी मार्क्स एंड ओ टी इज एटी मार्क्स ये बिल्कुल पॉसिबल है इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है तो ये रिवर्सल पॉसिबल है ये हंड्रेड हंड्रेड भी पॉसिबल है ओके बट लार्जली दिस इज द मैक्सिमम गैप वी कैन सी तो समाइम वन ट्वेंटी एटी समाज वन ट्वेंटी एटी तो ओ टी ओबी आपस में ये एक्सचेंज होता रहता है सिमिलरली एच आर एम आई आर ऑल्सो यू सी

कि हमें सारे सब्जेक्ट को सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना है एंड डेफिनेटली इनसाइड ईच टॉपिक वी हैव टू लुक इन टू द माइक्रो टॉपिक कि विच माइक्रो टॉपिक इज मोर इंपॉर्टेंट इट्स इट्स नॉट दैट वी हैव टू कवर एवरी माइक्रो टॉपिक विद इक्वल इंपॉर्टेंस वी हैव टू गो एज पर द डिमांड ऑफ द प्रीवियसर क्वेश्चन तो प्रीवियसर क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे प्रीवियसर क्वेश्चन के बेसिस पर जो हमारी रिपीटेटिव थीम्स हैं हम उसको ज्यादा प्रिपेयर करेंगे एंड द सेम थिंग हैज बीन

राइट बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चन यू विल फाइंड आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ओके तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं एक बार हम फटाफट फ़ड़ से देख लेते हैं कि 2022 का जो ट्वेंटी uh, ट्वेंटी का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है ये कैसा दिखता है ओके सो दिस इज द पेपर ओके एंड ऑल दिस पी डी एफ वाट एवर आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ ये सारी पी हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेंगी द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल हैज बिन गिवन एट द इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यहाँ पीडीएफ यह हमारा क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का फाइन सो फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन इज कंपल्सरी वे आर वी हैव टू आंसर इच क्वेश्चन इन फिफ्टी वर्ड तो यह हमारा पैटर्न सेम कंटिन्यू रहा है ये ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी एंड ईच क्वेश्चन इज टेन मार्कर ओके यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही आपका एक सरप्राइज दिया इन्होंने सेंसेशन डिफर फ्रॉम परसेप्शन हाउ डज सेंसेशन डिफर फ्रॉम परसेप्शन सेंसेशन और परसेप्शन में क्या डिफरेंस है यही सबसे बड़ा एक सरप्राइज था पहला ही क्वेश्चन जब आपको नया मिले तो एक डर पैदा होता है कि सर पेपर डिफिकल्ट है क्या बट वी शुड नॉट जज टू

कंटेंट पढ़ के जाएंगे आप ये पेरिफेरल टॉपिक्स को भी एक बार देख करके जाएंगे तो आप इस तरह के सरप्राइज से बच सकते हैं ओके okay? मैंने कहा प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं है सेंसेशन वर्ड को बट जब हम सिलेबस कवर करते हैं ये यूपीएससी एग्जाम है हम यहाँ पर कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन तो कभी आ ही नहीं सकता ये हम तो बहुत सी सिलेक्टिव प्रिपरेशन करके जाते हैं हाँ हमें कुछ टॉपिक को ज्यादा तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स हैं उनको हमें बहुत डीपली प्रिपेयर करना पड़ेगा वहां पर हमें सेवेंटी परसेंट मार्क्स स्कोर करने हैं और रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो हमारे हैं जिन टॉपिक में आपका बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं या कभी टच भी नहीं हुए हैं उनको भी हमें पढ़ के जाना है और वहां पर हमें फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट स्कोर लेके आना है अगर कंप्लीटली इग्नोर करेंगे अगर ये सोचेंगे कि नहीं हमें तो ये ईयर में दिखाई नहीं तो हम इसको बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं होती है ठीक है तो जिन लोगों ने अच्छे से मटेरियल पढ़ा हमारा उनको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको यह क्वेश्चन देखते ही सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया उनका काफी हमारे स्टूडेंट है फाउंडेशन कोर्स के काफी स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ स्टडी मटेरियल खरीदा उन्होंने हमारे पास से खरीदा या जहां से भी उनको मिला तो ये आप मान लीजिए कि आपको कोई भी शॉर्टकट इस एग्जाम में सक्सेस दिलाने वाला नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इट क्रिएट्स इंप्रेशन ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है अगर आपने वहां पर कोई भी जनरल लिखा तो एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अलग जाएगा तो एग्जाम के पास अच्छा इंप्रेशन अच्छा जाएगा ठीक है नाउ सेकेंड क्वेश्चन एक्सप्लेन द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स ये क्वेश्चन आपका रिपीटेटिव थीम सेट इज रिपीट हुआ टू थाउजेंड थर्टीन से और हमारे स्टडी मटीरियल में हमने इसको डिटेल में uh, टेबल बना के कंपेरिजन फॉर्मेट में दिया हुआ है अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है एजिक्स टेबल, टेबल्स, टेबल्स को कॉपी करेंगे आपके मार्क्स बेस्ट मार्क्स आएंगे ठीक है नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड टू कोडिनेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज में मैंने इस बार दिया था ठीक है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ठीक है तो बी एंड सी आपके प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्वेश्चन डी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन टू 2022 में लेटेस्ट आया है हालांकि 22 में आपका डायमेंशन थोड़ा चेंजिंग था लेकिन जो क्वेश्चन है अगर कोई थीम हमारी 22 में पूछी गई तो वो थीम हमें 24 में प्रिपेयर करके जानी थी

टॉपिक किसी का भी मिस ही नहीं होगा अगर आपने सिलेबस को पूरा किया होगा तो अगर आपने कोर्स सिलेबस को पूरा किया होगा तो आपका टॉपिक ये मिस ही नहीं हो सकता ठीक है सो द पॉइंट आई वांट टू मेक इज़ कि ये आपका जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है यहां पर आप मैक्सिमम मार्क स्कोर कर सकते हो अगर आपको कुछ सरप्राइज फील हुआ होगा तो वन ए फील हुआ होगा और अगर आपने डायड में ए इसका स्टडी मटेरियल पढ़ा होगा तो ये सरप्राइज भी आपको एक पॉजिटिव सरप्राइज होगा कि सर ये तो हमने उम्मीद नहीं की थी और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ए क्वेश्चन आ गया अब तुम्हारे बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं ओके नाउ आई विल डायरेक्टली मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन वन क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फाइव सिक्स सेवन ये आप अगर करेंगे तो आपके बेस्ट मार्क्स आ सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन टू में अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन टू में आपको हल्का से प्रॉब्लम फेस होनी हो सकती है कि सर इंडियन थिंकर्स वेस्टर्न थिंकर्स वो वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का से एक आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हालांकि डिफिकल्ट नहीं है मैं डिस्कस करूंगा उसको बट मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं अगर आप बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट वही चीज़ें पढ़ते हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हैं आप ज़्यादा नहीं पढ़ते हो उस केस में आपको क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री कंफर्टेबल नहीं होंगे क्वेश्चन नंबर फोर आपको फुल कंफर्टेबल मिलेगा सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाई डज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स एमर्ज ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है व्हाट आर द रीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसिस इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस क्या है एंड सजेस्ट द मेजर्स टू अवॉइड दैम सिंपल ट्वेंटी मार्कर क्वेश्चन में तीन कॉम्पोनेंट पूछे हैं और बहुत ही अच्छे से इसको आंसर किया जा सकता है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड ट्राई टू स्कोर सेवेंटी परसेंट मार्क्स आप कोटेशन ऐड करो छोटा सा डायग्राम बनाओ और एग्जाम्पल मेंशन करो और कोर पॉइंट को एज इट इज मेंशन करो लैंग्वेज को चेंज मत करो डेफिनेशन एज पर थिंकर दो तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको 70 परसेंट मार्क्स करने होते हैं बेस्ट मार्क्स क्योंकि ये क्वेश्चन तो हाईली एक्सपेक्टेड था टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन दिया था नाउ आफ्टर सम टाइम आई विल शेयर विद यू द दर्सेज ऑफ ऑल दिस तो मैं आपको वहां पर दिखाऊंगा कि टेस्ट सीरीज में हमने सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ था और देखिए मैं यहां पर टेस्ट सीरीज को प्रमोट करने के लिए नहीं डिस्कशन कर रहा हूं द रीजन आई एम टेलिंग यू इज कि अगर आप एक एकेडमिक फील्ड में हो और आप कोई किसी एकेडमिक uh, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हो तो आप ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ अगर टीचर इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पा रहा है थ्रू टेस्ट सीरीज अगर वो चीज़ स्टडी मटेरियल में पहले से पड़ी हुई है तो यानी कि ये क्वेश्चन हमारी सोर्सेज के अंदर से आ रहे हैं और सोर्सेज के अंदर से आ रहे हैं तो हमारा सिर्फ एक ही काम है उनको अंडरस्टैंड करना मेमोराइज करना

जिन लोगों ने हमारे मीन ट्वेंटी फोर ये मैंने क्यों दी थी क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछी गई है 2019 में एज इट इज पूछी गई है 2019 का क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैंने बनाया है यूपीएससी का क्वेश्चन 2019 का मैंने टेस्ट सीरीज में दिया था और ये क्यों दिया गया था क्योंकि एक्सपेक्टेड था एक प्रिडिक्शन थी कि यह क्वेश्चन तो आना चाहिए और आ गया तो दोज पीपल हु रिलाइड अपॉन दिस वेरी हैप्पी मैंने काफी लोगों को बताया था अपने में बताया था, कि 2019 को बेस बना क्योंकि यूपीएससी का एक मैक्सिमम क्वेश्चन हिट हुएंगे एज इट इज भी रिपीट हो रहे हैं और कुछ आपके हल्का हल्का एडेप्टेशन से भी रिपीट हो रहे हैं हमें पता होना चाहिए पैटर्न का पता होना चाहिए राइट लास्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन डेलीगेशन एंड डी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन यूपीएससी डेलीगेशन मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट डी मल्टीपल टाइम इट द पास्ट बार बार इसको पूछा गया है हाँ ये कंपेरिजन फर्स्ट टाइम पूछा है उन्होंने और हमने अपने स्टडी मेटेरियल में कंपेरिजन का एक प्रॉपर टेबल बनाया हुआ है दो पेज का टेबल है आप डिटेल में पढ़िए अच्छे से समझिए और टेन मार्कर में तो आप ऐसे भर के आएंगे कि आपको सेवेंटी परसेंट मार्क्स बनेंगे आई थिंक दिस शुड बी कॉन्फिडेंस बूस्टर तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका डुएबल था करना चाहिए था आपको बिना किसी एक्स्ट्रा थिंकिंग के बिना किसी एप्लीकेशन ऑफ माइंड के क्वेश्चन नंबर फोर आपको करना ही चाहिए था क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं सर कंपल्सरी क्वेश्चन वापस से आ गया क्या कोई सरप्राइज है यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्कस द प्रॉब फेस्ड इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन अगेन टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था मैंने अगर आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिल तो रहा है यानी कि टीचर ने, ने प्रिडिक्ट किया है सिंपल इससे बड़ा प्रिडिक्शन नहीं हो सकता मुझसे काफी लोगों ने पूछा सर टॉपिक के नाम बताइए कौन कौन से प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं तो मैंने उनको अपने सेशंस में बताया था कि ये ये क्वेश्चन इस बार प्रिडिक्टेड हैं लेकिन मैंने उनको बोला कि अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आंसर उठाइए और अटके चले जाइए कुछ लोगों ने यह काम किया उनको बड़ा मजा आया कि सर क्वेश्चन एस बेस वहां से क्लिक हो गए यहां पर मेरा पर्पज आपको बताने का है कि क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल था अगर एक टीचर प्रिडिक्ट कर सकता है तो आप भी प्रोडिक्ट कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इलाबोरेट द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्री फीडबैक ये कितनी बार क्वेश्चन आया है ये कम से भी कम सात आठ बार क्वेश्चन आ चुका है थ्री सिक्सटी डिग्री फीडबैक का बार बार क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन आता है ये नेक्स्ट इज इज कलेक्टिव बार्गेनिंग नॉट इफेक्टिव वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एक्सप्लेन इट्स रीजन ओके हाउ इज वॉलेंट्री सेपरेशन डिफरेंट फ्रॉम इनवॉलेंट्री सेपरेशन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी सम पीपल आर कि सर क्वेश्चन तो हमने सुना नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल देर हैज बीन ए क्वेश्चन ऑन ट्रांसफर वर्सेस सेपरेशन इन पास्ट। लास्ट के दो तीन सालों में क्वेश्चन आपके आए हैं एक सबसे क्वेश्चन आया है ट्रांसफर वर्सेस सेपरेशन ठीक है अब ये सेपरेशन वाला जो टॉपिक है अगर आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो सेपरेशन आर ऑफ टू टाइप वॉलेंट्री एंड study material, we have given it in क्वाइट डिटेल इसको अच्छे से हमने दिया हुआ है आप इसको पढ़े, पढ़ेंगे समझेंगे रिप्रोड्यूस करेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे तो कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है आपको एक एक चीज को लिंक करा दिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स बिल्कुल कर सकते हैं और आई एम फीलिंग सो हैप्पी कि ऑल द थ्री क्वेश्चंस आई गिव इन सीरीज अगेन

तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो सकता है हमें किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं वट डू यू मीन बाय मॉडल एम्प्लॉयर क्रिटिकल एग्जाम इन ऑफ मॉडल पब्लिक एंटरप्राइजेज इन एक्टिंग एज ए मॉडल एम्प्लॉयर वेरी 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 पॉपुलर क्वेश्चन पास्ट ईयर में दो बार क्वेश्चन आ चुका है एक बार क्वेश्चन पूछा था वट इज अग ऑफ मॉडल एम्प्लॉयर और सेकंड टाइम इन्होंने क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन दी ऑफ पीएसयू एस यू मॉडल एम्प्लॉयर तो ये दोनों क्वेश्चन हाँ तो ये पहले दोनों अलग अलग क्वेश्चन थे अब इन्होंने दोनों को मिलाकर के एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया पेपर वन में भी इन्होंने सेम काम किया पेपर इन्होंने है पेपर वन में भी इन्होंने क्या किया है कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट ये एक क्वेश्चन हो गया एंड व्हाट इज द आरबीआई करंट पॉलिसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तो ये दोनों मिलाकर क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका बन गया अलग से व्हाट इज दरबीआई करंट मॉनेटरी पॉलिसी सो पहले ये दोनों आपके अलग अलग थीम्स हुआ करते थे अलग अलग क्वेश्चन बनते थे आपके 10 -10 के अभी इन्होंने क्या किया दोनों को मिलाकर एक ही क्वेश्चन बना दिया तो मेरा मानना इसमें यह है कि चीजें आसान हुई हैं क्योंकि आपके पास में कंटेंट है लिखने के लिए आपको कंटेंट करना पड़ेगा आपको सिर्फ अपनी स्पीड बढ़ानी है ठीक है द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट टेक्निक्स रिलेटिंग टू इंटरपर्सनल एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स यहां पर क्वेश्चन थोड़ा स्पेसिफिक है इट इज ऑन द एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट टेक्निक एंड इट इज रिलेटेड टू Interpersonal and management play, role play, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था बट जॉब डिजाइन हमने अच्छे से कराया था एक क्वेश्चन मैंने दिया था जॉब डिजाइन के ऊपर मैंने क्वेश्चन अलग से दिया था अगर आप क्लियर हो तो फिर आप जाकर के आराम से इसको कंपेरिजन कर सकते हो जॉब डिजाइन क्या होता है और जॉब एनालिसिस क्या होता है ओके सो आई यू आपको पांच क्वेश्चन तो आसान आसानी से करने को मिलेंगे अब बाकी के क्वेश्चंस में हल्का हल्का आपका आ, कहीं कहीं पे शेयर चैलेंजिंग फील हो सकता फील हो सकता है जैसे कि यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग वाले क्वेश्चन में हल्का सा चैलेंजिंग चैलेंज फील हुआ लोगों को क्वेश्चन नंबर थ्री में जो चैलेंज फेस हुआ लोगों को दैट वाज अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन चेंज एंड रिन्यूअल ठीक है तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन और रिन्यूअल उनको नहीं पता था और ये बहुत प्रडिक्टेबल भी नहीं था हमने इसको कहीं स्टैंडर्ड सोर्स में ये कहीं मिलता भी नहीं है आपको ठीक है और क्वेश्चन नंबर टू में आपके लिए चैलेंजिंग था कंपेयर डिफरेंट प्रस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज तो ये क्वेश्चन नंबर टू ए जो है ये भी आपका काफ़ी कंफर्टेबल uh, नहीं था ठीक है क्योंकि देखिए आपको हो सकता है कि आइडिया हो लेकिन आप उसको बहुत कॉन्फिडेंस से नहीं लिख सकते आई विल डिस्कस कि कैसे उसको आंसर करना है मैं अपने ओबी के आंसर करता हूं इंडियन वर्सेस वेस्टर्न फिलोसफी मोटिवेशन मैं गीता का रेफरेंस देता हूं वेद ये सब रेफरेंस देता हूं मेरे यूट्यूब पर ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा हुआ है आप देख सकते हो तो उसको आपको कॉन्सोलिट करके लिखना था आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ता आप ऐसे लास्ट रिजल्ट कर सकते थे उसको ऐसा नहीं कि डुएबल नहीं है डुएबल है लेकिन

We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one -one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous questions and the daily answer writing mock test and practice. वैल्यू थ्रू वैल्यू एडिशन किस तरह का टॉपिक था तो फर्स्ट इज ओबी ओबी में सेंसेशन वाज पर टॉपिक नॉर्मली नहीं पूछा जाता है. मार्कर में था और हमारी ओबी बुक में पेज नंबर वन जीरो सेवन पर है डिफरेंस बिटवीन ट्रांजेक्शनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीटेड फ्राम टू थाउजेंड थर्टीन लीडरशिप चैप्टर और मुझे अभी याद आ रहा है एक हमारे स्टूडेंट हैं अभिमन्यू तो ही मैसेज मी टू डेज बिफोर द एग्जाम कि सर ये मेरे पास टॉपिक का नोट नहीं है तो ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ अ टेस्ट सीरीज तो मैंने उसको दो दिन पहले इसके नोट्स बना के भेजे ऑलरेडी हमारे पास था मेटेरियल इसका तो मैंने उसको बना के भेजे एंड आई थिंक ही मस्ट भी फीलिंग हैप्पी कि सर यह सेम टॉपिक रिपीट हो गया

जहां पर आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली हमारे कंटेंट से आप इसको आंसर कर सकते हो ठीक है तो बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट इवन दो इट वॉज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बट इट वॉज वेरी वेरी फेमस टॉपिक ये तो टॉपिक इस टॉपिक के बिना तो पर्सनैलिटी चैप्टर आपका कंप्लीट ही नहीं हो सकता मैंने इसको दो बार पूछा था इस टॉपिक को एक सेक्शनल टेस्ट में और एक आपका फुल इंड टेस्ट में नेक्स्ट इज फेसेस ऑफ क्वालिटी सर्कल्स क्वालिटी सर्कल्स के क्या फेसेस होते हैं अगेन दिस इज अ वेरी वेरी रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछा था कोई चेंज नहीं वर्डिंग पूछे थे डायरेक्टली और हमारे स्टडी मटेरियल में, में इसको डायरेक्टली पेज नंबर 265 में एक टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है जहां पर हमने इसको कॉन्सेप्ट एवरी स्टेज का नाम लिया हुआ है उसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है सेकेंड कॉलम में थर्ड कॉलम में उसको हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है और फोर्थ कॉलम में प्रॉब्लम भी हमने दिए हुए उसमें ओके okay? नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन चैप्टर वेरी फेमस थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है मैसलो थ्योरी के बाद में हसबर्ग थ्योरी पढ़ी जाती है और इसका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर सॉरी प्रीवियस ईयर में 2018 में क्वेश्चन आया था लैंग्वेज चेंज हुई है लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट सेम ही है पेज नंबर 142 पे हम इसको ट्रेस कर सकते हैं ठीक है टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन पूछा था अबाउट द कंटेंट थ्योरीज की कंटेंट थ्योरीज की क्या मेजर फीचर्स हैं तो वहां पर हमने हस्ब को इन पूछा था लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आंसर किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको सारे जो सोल्यूशन हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन के नाम से हमारी बुक्स हैं सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयरस के आए हैं सारे के सारे उसमें आंसर अवेलेबल हैं तो कुछ क्वेश्चन कुछ लोगों ने ऐसा भी किया कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उन्होंने प्रिपेयर किए जिनके पास बहुत कम टाइम था हालांकि वो स्ट्रेटजी फॉलो करना सही बात नहीं है क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप सिर्फ अगर प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं क्वेश्चन तो आपको दिखेंगे वहां पे एज इट इज लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे आती है कि आप बहुत अच्छे आंसर नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन नॉट जस्ट मग अप एंड रिप्रोड्यूस द बेस्ट आंसर वहां पर आपके एवरेज आंसर होंगे टॉपिक आपको आता होगा कंटेंट भी आपके पास में होगा लेकिन आंसर एवरेज होंगे तो मार्क्स बहुत ज्यादा उठ नहीं पाएंगे आपके ठीक है नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजिशन वर्सेस चेंज तो ये मैंने आपको बताया ये एक नई थीम थी आप इसको छोड़ सकते थे मैं इसको क्लेम नहीं करूंगा कि एक स्टैंडर्ड सोर्स में ये अवेलेबल नहीं थी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी वन ट्वेंटी मार्क्स जैसे मैंने बताया आपको वन ए क्वेश्चन ये मैं डिस्कस कर चुका हूं फॉर्मल वर्सेज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही रिपीटेड थीम है सिक्सटीन में लास्ट पूछा गया था और आपको मैंने यहाँ पे बताया था ओ टी में डेली आंसर राइटिंग जो हमारा था उसमें डे फोर क्वेश्चन नंबर टू हमारा ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन व्हाट वेज कैन मैनेजर मेक मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टू दियर एडवांटेज यही चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी थी हाउ टू कोडेट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज हमारे मेन्स ट्वेंटी फोर टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो यही आंसर अगर आप रिमेंबर करके जाएंगे यही आंसर आप यहाँ पर हर किसी लैंग्वेज को क्वेश्चन uh, के अकॉर्डिंगली ढालते हुए आप इसको लिख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि ये काफी रिपीटेटिव थीम्स है लास्ट लास्ट टेन ईयर्स में तीन बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ट्वेंटी टू में ट्वेंटी ट्वेंटी में ट्वेंटी फोर्टीन में ओके okay? और टेस्ट सीरीज की बात करें तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का डेली आंसर राइटिंग है मीन ट्वेंटी का जो हमारा डेली आंसर राइटिंग था वहां पर हमने ये दिया था वट आर द रीजन फॉर एडप्टिंग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस वेरियस प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन इट ठीक है तो ये जो क्वेश्चन था ये मेरा 20 मार्कर क्वेश्चन था और सेकंड कंपोनेंट 10 मार्क्स का था और यहां पर इन्होंने टेन मार्क्स का ही लिमिटेशंस पूछा है आई थिंक इट शुड गिव द कॉन्फिडेंस टू यू नाउ नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एज आई टोल्ड यू दिस इज नॉट ए डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी में इसी के अराउंड क्वेश्चन पूछा गया था बट डायरेक्ट नहीं है ओके स्टडी मटेरियल में हमारे में है डिस्कस करता हूं पार्ट है हमारे चैप्टर का ओके नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज देखिए जो डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन है ये तो बहुत ईजी है ये आपका प्रीवियस ईयर में भी रिपीट हुआ है 2016 में 2014 में और इसी के ऊपर मैंने डेली आंसर राइटिंग भी क्वेश्चन दिया था डेली आंसर राइटिंग में भी मैंने डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से क्वेश्चन बना के दिया था सो so, ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर कर सकते थे सेकेंड पार्ट थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस आपको अप्लाई करना पड़ता हालांकि पॉसिबल था डूएबल था वी कैन कंपेयर कि इंडिया में किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन uh, कल्चर है इंडिया में किस तरह के स्ट्रक्चर होता है हैरान कैसी होती है और यहाँ पर आपका मोटिवेशन uh, किस तरह से होता है लीडरशिप किस तरह से होती है वो सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप इंडियंस ऑर्गनाइेशन uh, के बारे में आ सकते थे और वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में अलग से बात कर सकते थे इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में आप चाणक्य का रेफरेंस दे सकते हो आप कुछ मिडाइव ऑर्गेनाइजेशंस का रेफरेंस दे सकते हो और इंडियन कल्चर का रेफरेंस दे सकते हो ये सब चीजें मैं बात करता हूं ओबी के अंदर ओबी के अंदर मैं इन सब चीजों को धीरे 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 इंटीग्रेट करता हूं लेकिन एक जगह पे कहीं पे सिंगल आंसर अवेलेबल नहीं है तो ये आपका एफर्ट टेकिंग है डोंट ट्राई दिस इन द एग्जाम टाइम बिकॉज इट इज नॉट सो इजी टू यू नो इनोवेट एंड थिंक एट द सेम टाइम ओके क्वेश्चन नंबर थ्री बी approaches of ऑर्गेनाइशन structure and process very very easy question repetitive question 2022 2013 2011 टू टू थाउजेंड थर्टीन टू थाउजेंड इलेवन तो ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है इसीलिए हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट में भी इसके ऊपर क्वेश्चन डाला था कि व्हाट इज द व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और हमने प्रोसेस के बारे में भी इस पर क्वेश्चन डाला था देन क्वेश्चन नंबर फोर ए पॉलिटिक्स वाला क्वेश्चन ये आपको मैंने बता दिया कि ये रिपीटेटिव है टू थाउजेंड एंड यहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन पूछा गया है आप ये देखिए रीजन ऑफ पॉलिटिक्स एंड हाउ इट कैन बी यूज फॉर द बेटर परफॉर्मेंस तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट व्हाट आर आर द द एंड मेजर्स वी शुड टेक तो फोर ए भी आपका काफी काफी प्रोडिक्टेबल था काफी काफी डुएबल था और प्रीवियस क्वेश्चन भी था और टेस्ट सीरीज भी था क्वेश्चन नंबर फोर बी आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्टली आपका हिट हुआ है

देन डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन मैं बता चुका हूँ स्टडी मटेरियल में डायरेक्टली पेज नंबर 159 पे अवेलेबल है 2019 में डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में आपका डेलीगेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था और ये इस बार इन्होंने दोनों को मिलाकर पूछ लिया तो एक नया जो थीम निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि वो दो अलग अलग क्वेश्चन जो उन्होंने पास में पूछे थे उनको मिला करके वो अब नया क्वेश्चन बना रहे हैं आई आर दिस इज आई आर इंटरनेशनल सॉरी इंडस्ट्रियल रिलेशन इंडस्ट्रियल रिलेशन में तो मतलब मजा ही आ गया यहां तो ऐसे मानो कि बस क्वेश्चंस की बोछार हो गई हमारा जो सेक्शनल टेस्ट था ये देखिए सेक्शनल टेस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स सेक्शनल टेस्ट क्वेश्चन नंबर फोर ए सेक्शनल टेस्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ए तो ये तीन क्वेश्चन तो आपके सेक्शनल टेस्ट से हिट हुए हैं ये डेली आंसर राइटिंग से हुआ है सारे के सारे मेंस 24 के हैं ये मेंस 24 में हमारे थ्री कॉम्पोनेट्स है डेली आंसर राइटिंग सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट तो आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग से और सेक्शनल टेस्ट से आ रहे हैं क्योंकि वो मैंने थीमेटिक वे में कवर किए थे कलेक्टिव बार्गेनिंग नॉट इफेक्टिव वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल ट्वेंटी में भी आ चुका है एटीन में भी आ चुका है तो देखिए लास्ट फाइव ईयर के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे है लास्ट फाइव ईयर के क्वेश्चन तो लास्ट फाइव ईयर को तो अच्छे से करके जाइए प्रोडक्टिविटी इंप्लीकेशन ऑफ लेबर टर्न ओवर टेन मार्क क्वेश्चन नाइनटी में एज इट इज पूछा गया था देखिए थर्टी फोर ईयर्स बैक इन्होंने एज इट इज पूछा था और ट्वेंटी ट्वेंटी टू में इन्होंने पूछा था डायरेक्ट इन डायरेक्टली वट आर द इम्पैक्ट ऑफ लेबर टर्न ओवर ओवर द एम्प्लॉज एंड द एम्प्लॉयर ठीक है तो ट्वेंटी ट्वेंटी टू से भी हमें पता चल सकता है लेकिन अगर हम डायरेक्टली बात करें कि ये एज एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है कभी ये yes, पूछा गया है नाइनटी नाइनटी में एज इट इज पूछा गया है यहां पर मैंने लिखा हुआ एज इट इज दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका एज इट इज पूछा गया था ओके देन रैशनल एंड मेजर्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट दिस इज अगेन रिपीटेटिव थीम ट्वेंटी मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस एज इट इज नहीं पूछा गया है लेकिन इंटर यूनियन राइवलरी के रूप में एक ट्वेंटी फोर्टीन में क्वेश्चन बना था ट्वेंटी मार्कर का वहां पर इसको पूछा गया था हमारी टेस्ट सीरीज में मैंने एज दिस क्वेश्चन पूछा था आप देख लीजिएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीप्लिस ऑफ ट्रेड यूनियन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट एमर्ज फ्रॉम दिस फिमिना सजेस्ट मेजर्स टू टेक केयर ऑफ इंटर यूनियन राइवलरी ठीक है जी तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन जो है आपका डायरेक्टली डुएबल था नेक्स्ट इज मॉडल एम्प्लॉयर एंड पी एस यू एज ए मॉडल एम्प्लॉयर तो देखिए यहां पर भी अगेन उन्होंने क्या किया है 2007 में इन्होंने पूछा था मॉडल एम्प्लॉयर और 2013 में इन्होंने पूछा था पीएसयू एज मॉडल एम्प्लॉयर तो ये दोनों मिलाकर इन्होंने क्वेश्चन को मिला लेते हैं और एक ईयर में क्वेश्चन तो आई है दो बड़े इंटरेस्टिंग है ये माइक्रो एनालिसिस करने के बाद ही पता चल सकता है ठीक है सो so, अगेन ये हमारे मेटेरियल में अवेलेबल है पेज नंबर वन सिक्सटी पे ठीक है प्रिवेंशन वर्सेज क्योर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दोनों में से दोनों चीज अप्रोच होते हैं पहले हमें प्रिवेंट करना है इंडियस डिस्प्यूट को फिर हमें उसको क्योर करना है उसको हमें सेटल करना है सो so, ये भी बहुत ही रिपीटेटिव थीम है 2019, 2021, ठीक है तो आप देखेंगे कि काफी सारे क्वेश्चन 2020 से भी आ रहे हैं 2021 से भी आ रहे हैं 22 से भी आ रहे हैं 19 मैं आपको बता चुका हूं तो 19 से लेकर के 23 तक और स्पेशली 19, 20, 21, 22, चार साल के जो पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके दे सकता है 17 का नहीं है आप देखोगे का का पेपर आपको आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे, 18 का भी दिखेगा पे भी भी दिख रहे हैं तो 18, 19, 20, 21, 22, ये साल बहुत है प्रॉफिट शेयरिंग स्कीम टॉपिक आसान है लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था ऑन द स्पॉट बनाना मुश्किल काम है तो ये आप छोड़ सकते थे क्वेश्चन एट आप अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन में हमने दिया हुआ क्योंकि 2003 में प्रॉफिट शेयरिंग में एक शॉर्ट नोट आया हुआ है ठीक है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर से कवर कर सकते हैं उसको ठीक है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था इजी नहीं था अवॉइड इट इसको अवॉइड करेंगे ठीक है देन ऑर्गेंस ऑफ आई एलो आई एल का क्वेश्चन था यहां पर भी हमने अपने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ था डेली आंसर राइटिंग में ट्राई पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ आई एल तो ये आपका इस चीज को टैकल कर सकता है क्योंकि वहां पर हमारे पास तीन बॉडीज हैं एलओ की ठीक है तो ट्राइब पाटेट स्ट्रक्चर में आपको ये तीन बॉडीज के बारे में लिखना था फिर एक्सप्लेन करना था आपको तो ये यूनिक फीचर आई एल ओ कालो में इट इज नॉट ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पर सिर्फ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करती है इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉयर ऑल्सो एम्प्लॉई ऑल्सो एंड गवर्नमेंट ऑल्सो तो ये ट्राइब पाइटेट स्ट्रक्चर है और हमारे तीनों जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो और जो थर्ड बॉडी है वो तीनों के अंदर हम इसको स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट इज एचआर एचआरएम अगेन एचआरएम में भी आप देखेंगे तो सर क्वेश्चन डिफिकल्ट थे क्या तो क्वेश्चंस वर ऑल ऑफ देम वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर से सारे के सारे टच हो रहे हैं आपके ठीक है प्रॉब्लम्स इन एचआरपी 1920 360 डिग्री ऑफ फीडबैक ट्वेंटी टू सेवेंटी फिफ्टीन थर्टीन चार बार आ चुका है वॉलंट्री वर्सेज इन वॉलंट्री ट्रांसफर्स मैंने आपको बताया ये सेपरेशन वाला क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी में सेपरेशन वाला क्वेश्चन आया था ठीक है और हमारी जो एच आर एम की बुक है यहाँ पर पेज नंबर टू एटी सेवन पे वॉलंट्री और इन वॉलंट्री को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस किया है एक पेज में डिस्कस किया है अच्छे से डिस्कस किया मैंने ठीक है देन टेस्ट आर हेल्पफुल इन प्रोडेक्टिंग द फेलियर ये क्वेश्चन हमने टेस्ट में दिया था समथिंग मोर देन एडमिनिस्ट्रेटिंग वेरियस टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट इज नीडेड फॉर एन इफेक्टिव रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक्सप्लेन टू ट्वेल्व में भी क्वेश्चन आया था रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट ठीक है तो देखिए ये 2012 के क्वेश्चन को उन्होंने इलाबरेट कर दिया सिक्स ए में ठीक है ट्वेंटी मार्कर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर टेन मार्कर था है यहां पर ट्वेंटी मार्कर था एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट टेक्निक्स के बारे में बात की गई है ये ट्रेनिंग चैप्टर से है यहाँ पर भी मैंने आपको आपके जो सेक्शनल टेस्ट था वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट टेक्निक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है मैथड्स क्या है इसका मीनिंग क्या है इंपॉर्टेंस क्या है देन जॉब डिजाइन वर्सेज जॉब एनालिसिस तो एक्सप्लेन हाउ द जॉब डिजाइन ये मैंने क्वेश्चन पूछा था एच आर टेस्ट में और एफ में मैंने क्वेश्चन पूछा जॉब एनालिसिस के बारे में तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा था लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है जॉब डिजाइन और जॉब एनालिसिस तो आप दोनों को कंपैरिजन करके यू कैन गिव द आंसर ओके सो आई होप दिस डिस्कशन विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड इट शुड ब्रिंग द कॉन्फिडेंस इन योर माइंड दैट दिस पेपर वॉज डूएल एंड मैक्म थिंग्स वी कैन ट्रेस फ्रॉम द प्रीवियर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए ये मैंने ऑब्जर्वेशन मैं वापस ले आता हूँ फाइव क्वेश्चन कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थीम्स को यूज करके हम पांच क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मास्टर कीजिए ये आपका फर्स्ट काम हो गया कुछ सरप्राइजिंग क्वेश्चन थे जो मैं हमने बताए परसेप्शन वर्सेज सेंसेशन वॉलेंट्री वर्सेज अनवॉलेंटेड एक्सप्रेशन हमारी स्टडी मटेरियल में इसको दिया हुआ था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था आप इसको स्टडी मटेरियल हमारे स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़िए जितने भी पेरिफेरल टॉपिक्स हैं वहाँ पे से कवर कीजिए बिल्कुल भी आलस मत कीजिए शॉर्टकट कोई नहीं है इस एग्जाम का क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चन में जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सरप्राइज फील नहीं होना चाहिए यू शुड फील हैप्पी ठीक है कुछ न्यू थीम्स थी जो कि चॉइस बेस्ड क्वेश्चन में थी सो तो ये आपकी स्पेशली दीज टू ये कंप्लीटली न्यू थी तो ये आपके क्वेश्चन टू बी लेफ्ट ये क्वेश्चन छोड़ने वाले थे इनको क्वेश्चन को आपको छोड़ के ही फायदा होने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग में आप जा सकते थे अगर कॉन्फिडेंस आपको हो तो ठीक है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर दिस कैन बी आंसर्ड ऑप्टिमली यूजिंग द पी वाई क्यू थीम ओके तो आपका जो बेस्ट चॉइस था वो वन फोर फाइव सिक्स सेवन होना चाहिए था बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी वे फॉरवर्ड आपका क्या होगा इस पूरी डिस्कशन से क्या निष्कर्ष निकलता है क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग तो यू हैव टू फोकस ऑन द रिपीटेटिव थीम्स मेक देम स्ट्रांग उसको स्ट्रांग करना है

and most welcome to take any help from us. Thank you very much. All the best.